बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एलेवन जी मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुखातिब मोहम्मद सईद। व्यूवर्स, आज मैं एक 25-40 का आपके लिए घर लेकर आया हूं। पिंडी फेस ये घर है, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे है। अगर मैं इसके सामने की बात करूं तो इसके सामने प्ले ग्राउंड है, इसके सामने कोई घर भी नहीं है ना। अगर मैं इसकी साइज़ की बात करूं तो ये 25x40 का घर है और दो बेडरूम नीचे हैं, दो बेडरूम ऊपर हैं, छोटा सा एक इसमें सिटिंग एरिया होता है। फ्रंट एलिवेशन की बात करूं तो स्टोन वर्क से फ्रंट एलिवेशन को तैयार किया गया, बहुत ही खूबसूरत है। छोटा सा ग्रीन एरिया है, एक बिजली का मीटर लगा हुआ है, गैस का मीटर नहीं लगा हुआ। यहाँ पे भी देखें, स्टोन वर्क का काम हुआ हुआ है वॉल पे और इसका नंबर भी इलेक्ट्रिकल लगा हुआ, 34 नंबर इसका ये नंबर है। अगर मैं मेन गेट की बात करूँ तो ये है मेन गेट यहाँ पे, और यहाँ पे एक गाड़ी की पार्किंग। व्यूअर्स, ये है कार पार्किंग। यहाँ पे एक बड़ी गाड़ी सेडान खड़ी हो सकती है, यहाँ पर बाइक खड़े हो सकते हैं, पानी वाला टैंक यहाँ पर है, पानी वाली मोटर है जो ऊपर पानी लेके जाती है। घर के अंदर चलते हैं व्यूअर्स। ये छोटा सा 25-40 के हिसाब से छोटा सा सिटिंग एरिया, सीढ़ी अपर पोर्शन पे जाती है और ये साथ ही है। इसको आप ड्राइंग रूम प्लस बेडरूम यूज़ कर सकते हैं। मीडिया वॉल लगी हुई है यहाँ पे और ये है इसका वॉशरूम, बहुत ही खूबसूरत और बहुत प्यारी सेटिंग फिटिंग हुई हुई, टाइल्स बहुत अच्छी लगी हुई है। और ये देखें, नीचे से ये दिया गया है कि आपका नीचे सफाई करना बहुत ईजी होती है। बहुत ही अच्छा आर्किटेक्ट का डिज़ाइन किया हुआ घर आपको मिलता है। बस अगर मैं सीलिंग की बात करूं तो बहुत ही खूबसूरत सीलिंग है और सीढ़ी का भी बहुत बड़ी स्पेस है और ये जो अल्मोनियम का काम हुआ बहुत ही खूबसूरत है। अभी हम चलते हैं किचन में। ये है व्यूअर्स इसका किचन, यहाँ पे भी कैबिनेट बनी हुई, ये आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें यहाँ रख सकते हैं। ये भी देखें, बहुत अच्छी कैबिनेट है, यहाँ पर हुड लग जाएगा, ये बर्नर लगा हुआ है, ये है सिंक जहाँ पर आप बर्तन वॉश कर सकते हैं, ये लगी हुई है विंडोज़ और एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ। व्यूअर्स पीछे जाऊँ तो मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे ये प्रॉपर एक लॉन्ड्री है जहाँ पे आप अपना कपड़े वगैरह वॉश कर सकते हैं। गीज़र की जगह इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे आपकी वॉशिंग मशीन के लिए। मतलब घर के अंदर हर चीज़ प्रॉपर एक फैसिलिटीज़ आपको मिलती है और प्रॉपर एक आर्किटेक्ट का डिज़ाइन किया हुआ घर जो है वो आपको मिलता है इसके अंदर 25-40 के। ज़ाहिर है 25-40 छोटी सी साइज़ है, इसके अंदर दो बेड निकालना बड़ी बात है और बाय लास्ट सीढ़ी है, जगह आगे भी छोड़नी होती है, पीछे भी छोड़नी होती है, उसके हिसाब से हर चीज़ को मैनेज करके इसके रूम निकाले जाते हैं। और ये है कैबिनेट जिसके अंदर आप अपना कपड़े वगैरह रख सकते हैं। ऊपर भी देखें कैबिनेट बनी हुई है, नीचे भी है, पंखा लगा हुआ है, सीलिंग हुई हुई है, विंडोज़ है वेंटिलेशन के लिए और ग्रिल लगी हुई है सेफ्टी के लिए। अगर मैं वाशरूम की बात करूँ तो बहुत ही खूबसूरत वाशरूम है और अगर मैं देखूं सीट तो देखें बहुत खूबसूरत है, टाइल लगी हुई है, शावर लगा हुआ है और साथ ही यहाँ पे भी मैं बताता चलूं, नीचे कैमरा करके दिखाएं जी, नीचे से जगह स्पेस खाली है, आप कोई भी चीज़ साफ़ करना वॉशरूम बहुत इजी होता है। व्यूअर्स, ये था हमारा 25-40 का घर, जो ग्राउंड पोर्शन हमने आपको विज़िट कराया है। अभी हम चलते हैं अपर पोर्शन, मैं आपको इसका विज़िट कराता हूँ अपर पोर्शन का। अगर आपको इसको 2 यूनिट पर रेंट पर देना है तो ये गेट है जो अपर पोर्शन के लिए सेपरेट गेट है, यहाँ से पार्टीशन हो जाएगी और ये गेट ग्राउंड पोर्शन का हो जाएगा, ये अपर के लिए रास्ता है। अगर मैं बात करूँ साइड पे देखें, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग की गई है, यहाँ पे टायर जो सीढ़ी है उसकी भी स्पेस बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी स्पेस के साथ सीढ़ी तैयार की गई है। अब हम पहुँच चुके हैं अपर पोर्शन में। सबसे पहले व्यूअर्स आपको इसका किचन विज़िट कराता हूँ, आए किचन विज़िट करते हैं। ये भी गेट है बाहर आउटडोर साइड पे जाने के लिए, जहाँ पे आपका गीज़र या आउटडोर एसी की फिटिंग हुई होती है, विंडोज़ लगी हुई है वेंटिलेशन के लिए, एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, कैबिनेट बनी हुई है और ये लगा हुआ है सिंक जहाँ पे बर्तन वॉश कर सकते हैं, हुड के लिए जगह छोड़ी हुई है, बर्नर लगा हुआ है। यहाँ पर भी देखें रैक्स बने हुए जिसमें आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें रख सकते हैं। ये 25-40 के घर के अंदर एक बेनिफिट है, इसका जो है सिटिंग एरिया थोड़ा बड़ा हो जाता है। यहाँ पे भी देखें ड्रेसिंग के लिए प्रॉपर ये जगह बनाई गई है खूबसूरत और ये पूरा स्पेस है आपके पास और ये सीढ़ी अपर पोर्शन के लिए चली जाती है और यहाँ से आप बाहर जा सकते हैं, जिसके लिए आप कह लें कि आप ये देखें सामने इसके बिल्कुल आपको प्ले ग्राउंड नज़र आ रहा है और पंजाब कैश एंड कैरी के सामने ये बिल्कुल घर है।
बहुत ही आउट क्लास लोकेशन पे पिंडी फेस, और इसको सन फेस कहते हैं, जो कि सन फेस इस्लामाबाद के अंदर बहुत आइडियल लोकेशन समझी जाती है। व्यूअर्स ये देखें, विंडोज लगी हुई है और ग्रिल सेफ्टी के लिए लगी हुई, फ्रंट ओपन है, इसके सामने आपके घर कोई नहीं मिलेगा, ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। और ये है चार बेड का घर, कैबिनेट बहुत खूबसूरत कलर की डिज़ाइन की गई बनी हुई है, हैंडल बहुत अच्छे लगे हुए ब्लैक कलर के छोटे छोटे। और ये है व्यूअर्स आपका वाशरूम, ये वाश बेसिन लगा हुआ है, जो वाश बेसिन सारे वाश बेसिन बड़े खूबसूरत तरीके से खूबसूरत करके लगाए गए हैं। यहाँ पे आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें रख सकते हैं, कुछ भी रखना चाहिए, ग्लास लगा हुआ है, टॉवल के लिए, शावर सीट, कलर स्कीम वाशरूम की बहुत अच्छी रखी गई है। अब हम चलते हैं इसके दूसरे बेड में, मैं आपको इसका विज़िट कराता हूँ। दूसरा बेड जैसा मैंने बताया था, ड्रेसिंग भी लगी हुई है। जैसे मैं इंटर होता हूँ तो सामने ये देखिए विंडोज़ है वेंटिलेशन के लिए, और ये बनी हुई है कैबिनेट, काफ़ी बड़ी कैबिनेट है, हैंडल बहुत प्यारे छोटे छोटे डिसेंट से लगे हुए हैं। और ये है वाशरूम, वाशरूम भी बहुत आउट क्लास का लगा, सिंक वाश बेसिन बहुत अच्छा लगा हुआ है, और यहाँ पे भी बना हुआ है जिसमें आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं, ग्लास लगा हुआ है, सीट लगी हुई है, शावर लगा हुआ, टाइल बहुत ही खूबसूरत लगी हुई। व्यूअर्स 25-40 के घर के अंदर अगर मैं बताता चलूँ तो ये बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन है, क्योंकि 25-40 का घर बहुत छोटा है, इसको चार मरला कहते हैं हम अपने 25-40 को, इस्लामाबाद के ये चार मरले बनते हैं। आए मैं आपको इसकी छत विज़िट कराता हूँ। व्यूअर सीढ़ी की स्पेस बहुत अच्छी है, 25-40 के घर के हिसाब से ऊपर बहुत बड़ा स्टोर बना सकते हैं, या आप इसको एज ए रूम यूज़ कर सकते हैं। ये है इसके साथ यहाँ पे ममटी पे वॉशरूम, और ये ममटी पे कैबिनेट बना हुआ है, और ये देखिए काफ़ी बड़ी स्पेस है जहाँ पर आप दो बड़े बेड लगा सकते हैं, और ये बच्चों के लिए या कोई गेस्ट के लिए सोने के लिए बहुत प्यारी आइडियल जगह है। अगर मैं बात करूं इसकी डिमांड की तो 4,15,00,000 रुपए इसकी डिमांड है। मज़ीद डिटेल के लिए मुझे कमेंट्स करें या मेरे नंबर पर रब्ता करें। मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएँ, ताकि रियल इस्टेट के मुतालिक जितनी वीडियो हैं वो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।